चलिए बच्चों, आज हम लोग ईथर बनाने की सामान्य विधियों पर चर्चा करेंगे। इसमें से सबसे पहली विधि जो है बहुत ही महत्वपूर्ण विधि है, जिसे आप इसके पहले पढ़ भी चुके हैं, विलियमसन संश्लेषण। विलियमसन संश्लेषण विधि के नाम से भी जानते हैं, अदरवाइज इसको विलियमसन संश्लेषण अभिक्रिया भी आप कह सकते हैं। दोनों नाम से पूछा जा सकता है, चाहे अभिक्रिया बोल दिया जाए या विलियमसन संश्लेषण विधि से डाइएथिलीथर बनाने की विधि बोल दी जाए। होता क्या है, इसमें एथिल आयोडाइड की अभिक्रिया सोडियम एथॉक्साइड से कराने पर शरीर डाइएथिलीथर बनता है। C2H5OMa, जिसे हम कहते हैं सोडियम एथॉक्साइड, इसकी रासायनिक अभिक्रिया C2H5I से कराने पर, जिसे हम कहते हैं एथिल आयोडाइड, जिसे कहते हैं एथिल आयोडाइड से जब भी हम रासायनिक अभिक्रिया कराते हैं तो होता क्या है, यहां का Na और यहां का आयो आपस में मिलकर सोडियम आयोडाइड बनाता है। आपस में मिलकर सोडियम आयोडाइड बनाता है। बचे हुए कंपोनेंट C2H5O C2H5 उत्पाद के रूप में बन जाता है। इसे कहते हैं डाइएथिल ईथर, इसे कहते हैं डाइएथिल ईथर, या दूसरा नाम होता है एथॉक्सी इथेन। आइए नंबर दो, ये हमारा औद्योगिक विधि भी है, ऊपर वाली अभिक्रिया औद्योगिक विधि में भी होती है। आइए अब इसी की चर्चा हम और कर लेते हैं। दूसरी विधि क्या हो सकती है डाइएथिल ईथर बनाने की, हम करेंगे क्या, ध्यान दीजिए, मिर्जल एल्बिना की उपस्थिति में C2H5OH प्लस C2H5OH, अतः इसे हम कह सकते हैं डाइको एथिल अल्कोहल के दो अणु लेते हैं एल्बिना अर्थात Al2O3 की उपस्थिति में 250 से 300 तक अगर इसे गर्म कर दिया जाए, टेम्परेचर को गर्म करें तो होता क्या है, यहां का H और यहां का OH आपस में मिलकर के क्या बनाता है, जल बनाता है। यह जल बाहर हो जाता है, बचा हुआ C2H5O C2H5 जुड़ जाते हैं, C2H5O C2H5 जुड़ जाता है, जिसे हम कहते हैं डाइएथिल ईथर, जिसे हम लोग डाइएथिल ईथर के नाम से जानते हैं। आइए देखते हैं 240 से 260 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर है, यह निर्जलीकरण की अभिक्रिया होती है। आइए तीसरा स्टेप है, तीसरी रासायनिक अभिक्रिया है। होता क्या है, एथिल आयोडाइड C2H5I की अभिक्रिया सिल्वर ऑक्साइड Ag2O को कहते हैं सिल्वर ऑक्साइड से जब भी अभिक्रिया होती है तो होता क्या है, ध्यान देंगे इसके टू मोल लेंगे, यहां का दोनों आई और यहां के दोनों एजी आपस में मिल जाते हैं और मिल करके बनाते हैं एजीआई। बनाते क्या है एजीआई, एजीआई को हम लोग जानते हैं सिल्वर आयोडाइड, टू मोल्स बनेंगे। फिर आप देखिए बचा गया C2H5 यहां का, वो यहां का C2H5 यहां C2H5O C2H5, इसका नाम हम लोग पूर्व में लिख चुके हैं,
जिसको हम देख रहे हैं क्या है डाइएथिल ईथर। लास्ट विधि है इसकी जो कि प्रयोगशाला की है, बहुत इंपॉर्टेंट है, चलिए इसको भी देखते हैं। आइए डाइएथिल ईथर बनाने की, डाइएथिल ईथर बनाने की प्रयोगशाला विधि, प्रयोगशाला विधि आइए चर्चा इस पर होता है। एथिल एल्कोहल के आधिक्य में, एथिल एल्कोहल के आधिक्य में 140 डिग्री सेंटीग्रेड ताप पर सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल की उपस्थिति में, सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल की उपस्थिति में निर्जलीकरण द्वारा डाइएथिल ईथर होता है। यहां एक ध्यान रखने वाली बात जो है वो हमारा ताप है, ताप 140 रहेगा तो श्योर है डाइएथिल ईथर बनेगा, अगर ताप इसी का 180 कर देंगे तो एथिलीन बन जाएगा, तो हमारा बनने वाला उत्पाद हो जाएगा एथिलीन। ध्यान देंगे टेम्परेचर बुक है C2H5OH जिसे कहते हैं एथिल अल्कोहल, इसका रिएक्शन कराते हैं हम लोग सल्फ्यूरिक एसिड से, सल्फ्यूरिक एसिड से। अब ये सल्फ्यूरिक एसिड करता है इसमें उपस्थित जल के अणु को निकालने का प्रयास करता है, यहां का OH और यहां का एक H आपस में मिल जाता है और बना लेता है H2O। यहां से जल का अणु निकलता है, ये अब भी आपकी 100 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर पर होती है, बचा क्या C2H5HSO4 जिसे कहते हैं एथिला हाइड्रोजन सल्फेट, एथिला हाइड्रोजन सल्फेट। आगे आते हैं, यही एथिला हाइड्रोजन सल्फेट C2H5HSO4 करता क्या है, पुनः C2H5OH से क्रिया कर लेता है और इसका ताप जो है वो 140 डिग्री सेंटीग्रेड होता है, बनाता क्या है यहां का HSO4 इस हाइड्रोजन से जुड़ जाता है और जुड़ते ही बना लेता है सल्फ्यूरिक H2SO4, ये उत्पाद के रूप में मिल गया और हमारे जो मुख्य उत्पाद होगा वो C2S5 जिसे कहते हैं डाइएथिल ईथर। इन दोनों रासायनिक अभिक्रियाओं को अगर जोड़ लिया जाए तो शायद अथवा करके नोट कर लीजिए, अगर ये नहीं समझ में आता तो हम यहां से भी समझने का प्रयास करेंगे, अगर ये दोनों एक साथ नहीं लिखना चाहते तो इस रिएक्शन को ऐसे भी लिखा जा सकता है C2H5OH2 दैट इज इक्वल टू टेम्परेचर, आप यहां लिख दीजिएगा 140 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर इन द प्रेजेंस ऑफ H2SO कंसेंट्रेट सोल्यूशन ऑफ H2SO4 That is equal to C2S5 plus S2। यानी अगर हमको ये दोनों रिएक्शन नहीं पता है तो इस रिएक्शन के माध्यम से भी बना सकते हैं, ठीक है। बनाने की विधि जो डाइएथिल ईथर बनाने की विधियां थी वो आपकी चार थी, चारों जो है हम लोग सीख लिया। अब इनके जो रासायनिक गुण है इनकी चर्चा हम कर रहे हैं।